Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। पत्रकार मित्रों, आज हम आपके साथ बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एक इशू पर। किसान का नया गेहूं बाजार में आ गया है, और नया गेहूं बाजार में आने के बाद जो भारत सरकार के नियम हैं वो ये हैं कि सरकारी क्रय केंद्रों पर MSP पर खरीद की जाए। अगर MSP से बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान चाहे तो उसको बाजार में बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में ऐसा हुआ, जैसे गोंडा है आपका, हमीरपुर है, राठ है, कई जनपदों में रिटर्न में वहाँ के मंडी सचिव ने और अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों को या थोक के अड़तियों को गेहूं खरीद को रोक दिया है। कुछ दिन पहले गेहूं का मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, MSP पर गेहूं का मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल है सरकारी मूल्य। अड़तियों के द्वारा खरीददारी रोके जाने के बाद गेहूं का मूल्य बाजार में गिर गया है। ऐसे में किसानों को जबरन गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप सब लोग जानकार हैं कि क्रय केंद्रों पर हर वर्ष भ्रष्टाचार होता है, और किसान से 30 से लेकर 50 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं तौलाने के नाम पर गेहूं जो सेंटर इंचार्ज हैं वो लेते हैं और मांग रहे हैं। अपने महमूदाबाद में भी, पूरे सीतापुर जनपद में जो गल्ला के व्यापारी हैं उनको यूपी के बाहर गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान का गेहूं देश के प्रत्येक बाजार में बेचा जा सके। ऐसे में संकट खड़ा हो रहा है। एक तरफ पिछले वर्षों में, दो वर्षों में हमको किसानों को आलू का मूल्य नहीं मिला, गन्ना का समुचित मूल्य नहीं मिला, और ये पहला मौका है जब 2300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बाजार मूल्य में गेहूं बिक रहा था, सरकार ने उस पर रोक लगाई और गेहूं का मूल्य गिर करके 2200 रुपये के नीचे आ गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने तो किसान को दोगुना, किसान की आमदनी दोगुनी करने की आपने बात कही थी, लेकिन किसान के प्रोडक्ट समुचित मूल्य पर न बिकें, इसके लिए राज्य सरकार अनावश्यक तौर पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। कुछ नहीं जाने वाला है, जाना है किसान के पास से। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि वो किसानों को जहां मर्जी हो वहां पर गेहूं बेचने के लिए स्वतंत्र करें, अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि किसानों को लेवी सेंटरों पर गेहूं बेचने के लिए बाध्य न किया जाए। वो चाहे तो लेवी सेंटर पर बेचें, वो चाहे तो व्यापारी को बेचें, वो चाहे तो फ्लोर मिल को बेचें, या वो चाहे तो यूपी के बाहर भी किसान अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जो ये पूरे प्रदेश में एक तरीके से किसानों के ऊपर तानाशाही की जा रही है, इसको रोके, और किसान ही तभी होगा जब किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। जब हमारी सरकार थी तो कभी भी किसानों को ये बाध्य नहीं किया गया कि वो सरकारी क्रय केंद्र पर ही गेहूं बेचे, कभी बाध्य नहीं किया गया। आज किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि वो व्यापारियों को गेहूं न बेचे, क्योंकि ओपन मार्केट में MSP से गेहूं का बाजार का मूल्य ज्यादा है। हम स्वतंत्र हैं, चाहे सरकारी क्रय केंद्र बेचें चाहे प्राइवेट को बेचें, हमको जहां बाजार मूल्य मिलेगा हम वहां बेचेंगे, हम माने किसान। तो सरकार बाध्य कर रही किसानों को कि आप प्राइवेट दुकानदार को नहीं बेच सकते हैं, दुकानदारों को बाध्य कर रही कि यूपी के बाहर आप नहीं बेच सकते हैं। ये गलत है, किसान स्वतंत्र है, वो चाहे यहां बेचे दुकानदार को
और चाहे सरकारी क्रय केंद्र पर बेचे चाहे यूपी बाहर बेचे, उस पर कोई कानून रोक टोक नहीं, गुंडाई की जा रही है। वो तो सरकार के अंदर के सभी आ गए ना, सरकार के अंदर के मंडी सचिव हो चाहे खाद्य वाले हो चाहे वो SMI हो, सभी उसमें आ गए। तो सरकार को देखना चाहिए कि किसानों को लाभकारी मूल्य उनको दिलाने के लिए बाध्य न किया जाए कि केवल वो लेवी सेंटर पर बेचे। लेवी सेंटर क्या होता हम सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े दलाल लेवी सेंटरों पर दलाली कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं और सब जगह हो रही है। समाजवादी पार्टी में कोई भी असंतोष व्याप्त नहीं है। निश्चित तौर पर जब कोई गठबंधन होता है, हमारा गठबंधन कांग्रेस साथ हुआ है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा सीटें चाह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा सीटें चाह रहे थे, फिर भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव ने बड़ा दिल करते हुए कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी उनके वोट प्रतिशत के हिसाब से। और सीतापुर भी कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस ने राकेश राठौर जी को प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको चुनाव जिताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बाराबंकी में भाजपा ने पहले किसी को और टिकट दिया था, फिर टिकट बदल दिया, ये कोई IAS का एग्जाम तो है नहीं और ना इसमें निर्वाचन आयोग की कोई नियमावली है। दल जिस पर विश्वास करता है उसको टिकट देता है, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला था, उन्होंने नकुल दुबे जी को दिया, फिर राकेश राठौर जी को दे दिया। वो कांग्रेस का अपने उनके कांग्रेस के पार्टी के स्थित का उनके पदाधिकारियों आपसी मामला है, उन्होंने टिकट बदल दिया। वो जिसको कैंडिडेट देंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी उसको लड़ाएगी। भाजपा तो पश्चिम बंगाल में 200 पार कह रही थी नहीं कह रही थी, भाजपा तेलंगाना में सरकार बना रही थी, तो कोई दल क्या कह रहा है इस पर नहीं। हाँ ये होना चाहिए, आपने सांसद जी का नाम लिया, 2.5 लाख पार हो या 2.5 लाख से हारे वो तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन 20 वर्ष का हिसाब देना चाहिए कि 20 वर्ष में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में कौन से विकास के काम कराए हैं। मेरा स्पष्ट मत है सीतापुर में यूनिवर्सिटी नहीं है, सीतापुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, सीतापुर में सैनिक स्कूल नहीं है। आप सब जानते हो कि सीतापुर इतना बड़ा सेना का कैंपस है कि आज तक सीतापुर कभी सेना की भर्ती का कैंप आपने देखा है? नहीं देखा ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 वर्ष के सांसद जी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेज छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेज छोड़ दीजिए, राजकीय हाई स्कूल छोड़ दीजिए, जूनियर हाई स्कूल छोड़ दीजिए, कन्याओं का GGIC छोड़ दीजिए, आवासीय विद्यालय छोड़ दीजिए, अगर 20 वर्ष में एक प्राइमरी पाठशाला बनाया हो तो बताओ ना। एक सिंगल अगर प्राइमरी पाठशाला हमारे वर्तमान सांसद ने सीतापुर के निवासियों के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बनाया हो तो बताओ ना। एक छात्रावास बनाया हो, एक अस्पताल बनाया हो, एक पावर हाउस बनाया हो। हाँ जो स्कूल बने हैं उसमें मास्टर नहीं है। मानापुर आवासीय विद्यालय जो हमने बनाया था 20 की शिक्षकों की स्ट्रेंथ है, उसके सापेक्ष वहाँ के और एक टीचर अटैच है। राजकीय इंटर कॉलेज हाजीपुर जो आवासीय विद्यालय मैंने बनाया था 20 की स्ट्रेंथ है, 20 के सापेक्ष केवल 4 टीचर हैं। इसी तरह राजकीय इंटर कॉलेज जोड़ौरा, राजकीय इंटर कॉलेज अकबापुर, राजकीय इंटर कॉलेज लहल खुर्द, राजकीय इंटर कॉलेज सहारा में शिक्षक नहीं है। सीतापुर डिग्री कॉलेज बना खड़ा है, चालू नहीं है। सीतापुर ट्रामा सेंटर बना खड़ा है, स्टाफ नहीं है। तो स्कूल पर सांसद जी का क्या विचार है, छात्रावास पर क्या विचार है, अस्पताल मैं महमूदाबाद बात कर रहा हूँ, मानापुर बना खड़ा है, आइबनपुर बना खड़ा है, पोखरा कला बना खड़ा है, बोरकुड़ा बना खड़ा है, चालू नहीं है। मैंने आरोप नहीं लगाया, ये हकीकत है, आप जाकर देख सकते हैं। स्कूल बने खड़े हैं, मास्टर नहीं है, अस्पताल बने खड़े हैं, डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनको जवाब देना चाहिए कि हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने स्कूल खोले, हमने बीमार की दवाई के लिए कितने अस्पताल खोले, किनको चालू कराया, हमारी बेटियों को और बालकों को रहने के लिए हमने कितने छात्रावास बनाए, इस पर डिबेट होना चाहिए। ये तो डिबेट कहीं हो नहीं रहा, हो रहा ना। महंगाई की कोई चर्चा है, ना बेरोजगारी पर कोई चर्चा है, ना पलायन पर कोई चर्चा है, ना रोजगार पर कोई चर्चा है,
ना काले धन पर कोई चर्चा है, ना अच्छे दिनों पर कोई चर्चा है। अच्छा होता कि जो बात 2014 के घोषणा पत्र में थी उन पर थोड़ा चर्चा हो जाती कि युवाओं को रोजगार कहाँ मिला। आज सीतापुर जनपद मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है। आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, या कोई बड़ा त्यौहार देख लीजिए, त्यौहार के आगमन के एक दिन पूर्व से त्यौहार तक सुबह हजारों दसियों हजार तादाद में श्रमिक अपने घर को जाते मिलते हैं, उन्हें यहाँ पर काम नहीं है। और त्यौहार खत्म होने के अगले दिन दसियों हजार की संख्या में, चाहे वो रामपुर उथरा रोड हो, चाहे बसड्डा हो, चाहे लखनऊ का वो बस स्टैंड हो, वहाँ पर मजदूर मिलते हैं। क्या जो युवा हमारे पलायन कर रहे हैं उनके बारे में कोई नीति जो लोग सत्ता में है, सरकार में, उन्होंने कोई बनाई है? नहीं बनाई। पलायन हो रहा है। और हम सब लोग सीतापुर के निवासी, मैं हूं आपके निवासी, हम लोगों को बाहर के लोग बड़े अपमानजनक तरीके से गंजरहा कहते हैं कि गंजरहा आ गए, गांजर लोग आ गए। क्या हम गांजर के लोग मजदूरों की फैक्ट्री? क्या यहां पर रोजगार नहीं मिल सकता है? क्या यहां पर रोजगार सृजित करने के लिए भारत सरकार कोई काम नहीं कर सकती है? आज भारत सरकार को 10 वर्ष हो गए। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर दिल्ली ने क्या कोई बैठक बुलाई है आज तक प्रदेश के विकास को लेकर के? मैं दावे के साथ कह सकता हूं बगैर उत्तर प्रदेश के दिल्ली में सरकार किसी नहीं बनती है। 80 MP हैं, कोरोना काल भी आप सबने देखा है, और 26 MP गुजरात में है। गुजरात में उद्योगपति पैदा किया जाता है और उत्तर में मजदूर पैदा किया जाता है। अगर यहां भी उद्योगपति पैदा किए जाएंगे, यहां भी फैक्ट्रियां लगेंगी, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी कौन करेगा? इसलिए यहां के सीतापुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को देश की सरकारों ने मजदूरों की फैक्ट्री बना के रखा है। ना पढ़ाई पर कोई चर्चा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सीतापुर जनपद का कोई भी राजनीतिज्ञ, मैं तो पूर्व विधायक हूं, पूर्व मंत्री हूं, वर्तमान का डिबेट करना चाहे किसी स्वतंत्र स्थान पर, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं कि उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितने छात्रावास बनाए, कितने पावर हाउस बनाए। निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।